नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपका और मेरा इस चैनल पे जिसका नाम है एवरीथिंग यू वांट इंडिया। आज हम कर्ज से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। आखिर कौन से हैं वो दिन जिस दिन में कर्ज देना या लेना नहीं चाहिए। अगर आपने इन बातों पर जरा सा भी ध्यान दे दिया तो निश्चित ही आपको कभी भी कर्ज लेने या फिर देने में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, हम सब के घर में कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि घर में इकट्ठा किया हुआ धन नहीं बच पाता और हमें कर्ज लेना ही पड़ता है। कई बार घरों में समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि भारी ब्याज में भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। वो समस्या कुछ भी हो सकती है, हर घर की अलग कहानी है, पर कहीं ना कहीं हमें यह मानकर चलना चाहिए कि किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें कर्ज लेना या देना नहीं चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ही दिनों के बारे में बताएंगे जिन दिनों में ना तो कर्ज लेना चाहिए और ना ही कर्ज देना चाहिए। दोस्तों, सोमवार का दिन एक ऐसा दिन है जो माँ पार्वती और ग्रह चंद्रमा से संबंधित है। सोमवार के दिन कर्ज लेना या कर्ज देना दोनों ही शुभ माना गया है। और दोस्तों, जो मंगलवार का दिन है, इस दिन कर्ज लेना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। पर हाँ, अगर आपने कोई पुराना कर्ज लिया है तो उस कर्ज को मंगलवार को चुकाया जा सकता है। कर्ज चुकाने के लिए यह दिन शुभ है। दोस्तों, अगला बुधवार का जो दिन है, इस दिन पर बुध ग्रह का प्रभाव है जिसे कि नपुंसक माना गया है, इसलिए इस दिन कर्ज लेना या कर्ज देना की गलती ना करें। यह दिन शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, इसी प्रकार गुरुवार का जो दिन है, इस दिन हो सके तो आप कर्ज ना दें। इस दिन कर्ज लिया जा सकता है क्योंकि इस दिन दिया गया कर्ज जल्दी ही चुक जाता है। शुक्रवार का दिन भी बहुत शुभ है। इस दिन भी आप कर्ज ले सकते हैं और कर्ज दे भी सकते हैं। शुक्रवार पर शुक्र का प्रभाव है, इसलिए कर्ज लेना या देना शुभ होता है। दोस्तों, अगला दिन शनिवार, ऐसा माना गया है इस दिन लिया गया कर्ज लंबे समय तक स्थिर रहता है, यानी बहुत लंबे समय में चुकता है। यही कारण है कि कर्ज लेना या देने के लिए यह दिन शुभ नहीं है। दोस्तों, अगर आपने पहले से ही कर्ज ले रखा है और कौन से दिन कर्ज लिया था याद नहीं है तो आपको मैं एक मंत्र बताता हूँ। ओम मंगलमूर्तये नमः। इस मंत्र का एक माला जप करने से शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।